नमस्कारम, आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। आज मैं जानकारी दूंगा हरा मिर्च खाने से क्या फायदे हैं और किन रोगों में हरा मिर्च खाना लाभदायक है। कुछ ऐसे रोग हैं जो सिर्फ हरा मिर्च सेवन करने से 10% तक ठीक हो जाते हैं। साथ में हरा मिर्च किस मात्रा में खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और हरा मिर्च किन किन बीमारियों में लाभदायक है, फायदेमंद है, यह भी जानकारी दूंगा। साथ में एक ऐसा अनोखा तरीका बताऊंगा, कुछ लोगों को हरा मिर्च पसंद नहीं है, चाहे फिर तीखेपन की वजह से हो, फिर या और कोई बात हो। कुछ लोग हरा मिर्च नहीं खाते हैं क्योंकि उनको वह तीखा लगता है। तो आज जब आप फायदे जानेंगे तो आज से ही जरूर आप हरा मिर्च खाना चालू कर देंगे। तो मैं ऐसा लाजवाब तरीका बताऊंगा जिससे जिनको तीखेपन की वजह से हरा मिर्च खाना पसंद नहीं है वो भी आज से खाना चालू कर देंगे। और किन रोगों में हरा मिर्च नहीं खाना चाहिए, ये सब जानकारियां भी मैं आपको दूंगा। इन सभी जानकारियों के लिए आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरा मिर्च के बिना हमारा भोजन वैसे तो अधूरा है। हमारी रसोई का एक प्रमुख हिस्सा हरा मिर्च होता है, क्योंकि जो भी हमारा भोजन बनता है उसमें तीखेपन के लिए किसी न किसी रूप में हरा मिर्च, या तो हरा मिर्च सूख जाता है तो हरा मिर्च जब सूख जाता है तो लाल पाउडर के रूप में, लाल मिर्च के पाउडर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और बिना तीखेपन के तो हमारा भोजन बेस्वाद ही रहता है। तो दोस्तों, जैसे कि तीखापन लोगों को पसंद ही है और लोग सब्जियों में या किसी भी भोजन में तीखापन के लिए हरा मिर्च का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम फ्राई करके या फिर सब्जियों में पका करके, दाल में फ्राई करके हरा मिर्च का सेवन करते हैं तो उसके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। उसके कुछ पोषक तत्व गर्म होने के बाद में नष्ट हो जाते हैं। हरा मिर्च में पर्याप्त मात्रा में कैप्सिन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के भी पाया जाता है। तो हरा मिर्च पोषक तत्वों से भी भरपूर है। हरा मिर्च हमारे लिए पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत भी है। साथ में हरा मिर्च अगर जब हम भोजन में सेवन करते हैं तो हमारा भोजन एक संतुलित भोजन होता है, क्योंकि कुछ लोग को खट्टा खाना पसंद है, मीठा खाना पसंद है, नमकीन खाना पसंद है, पर यदि वो बिल्कुल भी हरा मिर्च का सेवन नहीं करते हैं तो उनका भोजन तो वैसे ही असंतुलित हो जाता है। तो आप सिर्फ इसी एक छोटे से बात से समझ सकते हैं कि जब हम सब चीजें खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन थोड़ा थोड़ा मात्रा में सेवन करते हैं तो हमारा भोजन जो होता है वह संतुलित रहता है। जिनको शुगर हो, जिनको मधुमेह हो, जिनके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ गया हो, यदि वो हरा मिर्च का सेवन करते हैं, जब भी वो खाना खाते हैं सुबह, दोपहर, शाम को, उसके साथ में यदि एक एक या दो दो हरा मिर्च का सेवन करते हैं तो उनका शुगर लेवल कंट्रोल होता है। उनके शुगर की बीमारी 10-15% तक सिर्फ लाल हरा मिर्च खाने से ठीक हो जाती है। साथ में दोस्तों, जहां हरा मिर्च खाने से बहुत ढेर सारी लाभ हैं, बहुत सारे फायदे हैं, वहीं लाल मिर्च खाने से हानियां ज्यादा हैं। तो हरा मिर्च उसके लिए भी बहुत लाभदायक है जिसको भोजन करने के बाद में पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने भोजन के साथ में एक से दो हरा मिर्च का सेवन जरूर करें। साथ में जिनको कच्ची डकारें आती हैं या जिनको बदहजमी का दिक्कत हो, उनके लिए भी
हरा मिर्च बहुत ही फायदेमंद है। यदि वो हरा मिर्च का सेवन करेंगे तो यह दिक्कत उनकी कम हो जाएगी और लगातार हरा मिर्च का सेवन करते रहेंगे। जब भी वह खाना खाएं तो एक हरा मिर्च या दो हरा मिर्च खाएंगे तो यह बीमारी उनका सिर्फ हरा मिर्च के सेवन करने से ठीक हो जाता है। साथ में जिनके आंत में सूजन हो या जिनके आंत में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, आमाशय में इन्फेक्शन हो या सूजन हो, तो सिर्फ हरा मिर्च के सेवन करने से वह आराम हो जाता है। जो बच्चे सुबह स्कूल जाते वक्त यह बोलते हैं कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि यह बच्चा स्कूल ही नहीं जाना चाहता है, जबकि उसके प्रमुख दो कारण हैं। पहला तो आंतों में कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन या सूजन, एक हो गया। दूसरा, बच्चे स्कूल जाने से जो डरते हैं तो डर की वजह से भी पेट दर्द होने लगता है। तो ऐसे बच्चों को एक हरा मिर्च का सेवन खाना खाते वक्त किसी न किसी रूप में जरूर करवाएं, किसी चटनी के माध्यम से या फिर सलाद में बारीक बारीक उसको काट दें, और या फिर किसी चटनी में बच्चों को हरा मिर्च का सेवन करवाने से यह दिक्कतें दूर हो जाती हैं। कुछ लोगों को उल्टी उल्टी जैसा लगता है या फिर उल्टी बीच बीच में अक्सर होता रहता है, उनके लिए भी हरा मिर्च का सेवन करना बहुत ही लाभप्रद है, फायदेमंद है। हरा मिर्च का सेवन करने से आंतों में सूजन या फिर आंतों में इन्फेक्शन हो, पेट में किसी प्रकार का पाचन संबंधित दोष हो, जिनको भोजन देर से पचता हो, बदहजमी हो, उनके लिए हरा मिर्च खाना बहुत ही फायदेमंद है। इन सब बीमारियों को 10-15% 20% सिर्फ हरा मिर्च ही ठीक कर देता है। और यदि कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो सिर्फ हरा मिर्च खाने से वह ठीक हो जाता है। साथ में जिनके पेट में जलन होता है या जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जिनके गले में जलन होता है, वो भी अपने भोजन के साथ में एक एक हरी मिर्च का सेवन जरूर करें। जिनको उच्च रक्तचाप हो, हाई ब्लड प्रेशर जिनको हो, हाई बीपी हो, उनके लिए हरा मिर्च का सेवन करना तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। हरा मिर्च खाने से जहां ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही मदद मिलती है, वहीं जिनके हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज आ रहा हो या मस्तिष्क के नसों में ब्लॉकेज आ रहा हो या फिर शरीर का कहीं पे भी ब्लॉकेज आ रहा हो नसों में, उनके लिए हरी मिर्च का सेवन करना बहुत ही लाभकारी है। सिर्फ हरी मिर्च के सेवन से उनको काफी आराम हो जाता है। जिन वृद्धों का खून मोटा हो गया है, डॉक्टर लोग बताते हैं कि आपका ब्लड ज्यादा मोटा हो गया है, जिनका खून गाढ़ा हो गया है, उनके लिए हरा मिर्च का सेवन करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। वह अपने भोजन के साथ में एक एक या फिर दो दो हरा मिर्च का सेवन जरूर करें। जिनको पीलिया रोग हुआ हो, वो भी हरा मिर्च का सेवन जरूर करें, उनके लिए हरा मिर्च का सेवन लाभकारी है। वो पालक के जूस में या फिर गन्ने के जूस के साथ में एक एक हरा मिर्च और थोड़ा सा नींबू डलवा लें और उसका सेवन करें, या फिर जो हरा मिर्च का सेवन करना चाहता हो, चाहे उसको लीवर डैमेज की समस्या हो या फिर पीलिया हो, तो वह लौकी के जूस में हरा मिर्च मिला करके जब लौकी का जूस बनाने लगे, उसी समय उसमें हरा मिर्च एक डाल करके उसका जूस बना के पिए, या फिर जिसका लीवर डैमेज रहता है, गिलोय का सोरस पीते हैं, आंवला का सोरस पीते हैं, उसमें भी, या फिर खाना खाते वक्त सलाद के रूप में चटनी में एक हरा मिर्च डाल के सेवन करें। देखिए, यदि आपको हरा मिर्च का पूरा लाभ लेना है तो उसको आप कच्चा रूप में प्रयोग करें, सलाद के साथ में, चटनी के साथ में, या फिर कुछ लोग डायरेक्ट काट के खाना पसंद करते हैं, वो उसी प्रकार से हरा मिर्च का सेवन करें। जब आप पका के खाते हैं तो आपको हरा मिर्च का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। जिसका लीवर डैमेज है उसके लिए भी लाभकारी है, लीवर में सूजन हो, जिसका लीवर इनलार्जमेंट का प्रॉब्लम आ गया हो, उनके लिए भी हरा मिर्च का लाभकारी है। इसके अलावा जिसको बुखार होता हो उसके लिए भी हरा मिर्च खाना, उसके लिए भी हरा मिर्च का सेवन करना बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, जिन वृद्धों को पार्किंसन रोग है, जिनका हाथ पैर कांपता है, चाहे वृद्ध हो या फिर युवा हो, जिनको हाथ पैर कांपने की दिक्कत है,
वो भी हरा मिर्च का सेवन जरूर करें। जिनके शरीर में कहीं पे भी गांठ हो वो भी हरा मिर्च का सेवन जरूर करें। हरा मिर्च के सेवन करने से इन रोगों को ठीक करने में बहुत ही मदद मिलता है। इसके अलावा शरीर में कहीं पे इन्फेक्शन हो, जिनको दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम हो, वो भी हरा मिर्च का सेवन जरूर करें, क्योंकि यह बैक्टीरिया को मिटाने में, बैक्टीरिया से लड़ने में, बैड बैक्टीरिया को समाप्त करने में हरा मिर्च हमारे शरीर का मदद करता है। जो चाहते हैं कि उनका इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, वो भी हरा मिर्च का सेवन जरूर करें, क्योंकि इसमें विटामिन सी और भी विटामिन बहुत पर्याप्त मात्रा में है। कैप्सिन भी पाया जाता है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाला है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है। जो चाहते हैं कि उनके शरीर में जो बैड सेल्स हैं वो समाप्त हो जाएं और नए सेल का जनरेशन हो, वो भी हरा मिर्च का सेवन, एक एक या दो दो हरा मिर्च का सेवन खाने के साथ में जरूर करें किसी न किसी रूप में। साथ में जो अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं, वो हरा मिर्च का सेवन जरूर करें। जो चाहते हैं कि उनके रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, मेटाबॉलिज्म अपने बॉडी का बढ़ाना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ाना चाहते हैं, वो भी अपने भोजन के साथ में एक एक हरा मिर्च का सेवन या फिर दो दो हरा मिर्च का सेवन जरूर करें। जिनका पेट बाहर निकल रहा हो, मोटापा हो, वो भी हरा मिर्च का सेवन जरूर करें, क्योंकि जब हमारा बॉडी में डिटॉक्स रेट बढ़ जाएगा, नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा और हरा मिर्च चर्बी को गलाने में मदद करता है, तो जब इतना ढेर सारा हरा मिर्च खाने से फायदा है, तो आप हरा मिर्च जब खाएंगे तो आपका जो पेट निकला हुआ है, जो आपके शरीर पे एक्सेस चर्बी है, एक्सेस फैट है, वह गल जाएगा, वह निकल जाएगा और आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। तो जो लोग चाहते हैं कि उनकी बॉडी फिट रहे और वो मोटापा का शिकार ना हो, तो वो हरा मिर्च का सेवन जरूर करें। हरा मिर्च सेवन करने से जहां बॉडी फिट रहती है, साथ में आप इसका सीधा प्रमाण भी ले सकते हैं। जिनको शुगर हो, वो अपना पहले शुगर या बीपी जो भी है वो चेक करा लें, उसके बाद हरा मिर्च खाना चालू कर दें, जो लोग नहीं खाते हैं, और फिर जाके चेक कराएंगे एक महीने बाद, तो खुद देखेंगे कि उनके शुगर काफी कम, उनका शुगर जो है, उनका बीपी है काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। जिनको बार बार नजला जुखाम होता है, वो भी हरा मिर्च का सेवन जरूर करें, क्योंकि हरा मिर्च सेवन करने से कफ रोग दूर होते हैं, साथ में वायु रोग दूर होते हैं। जिनके घुटने में दर्द होता हो, जिनके कमर में दर्द होता हो, जिनको वायु शूल होता हो, वो भी हरा मिर्च का सेवन जरूर करें। या फिर जिनको कुछ कुछ ऐसा लगता है कि हृदय के पास में जैसे कुछ रुका सा है या भारी भारी सा लगता है, एकाएक घबराहट होने लगता है, वो भी हरा मिर्च का सेवन चालू कर दें। सिर्फ हरा मिर्च के सेवन करने से हृदय में जो कुछ ऐसा लगता है कि रुका हुआ है और घबराहट होता है, सिर्फ इसी से, हरा मिर्च के सेवन करने से उनका यह ठीक हो जाता है। हृदय के लिए हरा मिर्च बलकारी है, हृदय को मजबूती प्रदान करता है, लीवर को बल प्रदान करता है और हमारे आंतों की सफाई के लिए हरा मिर्च जरूरी है। जब हम हरा मिर्च का सेवन करते हैं तो छोटे मोटे खाने के साथ में जो बैक्टीरिया जाते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हरे मिर्च में एंटी बैक्टीरियल गुण भी है। तो आप लोग हरा मिर्च का सेवन जरूर करिए, हरा मिर्च हमारे लिए बहुत प्रकार से लाभकारी है। जिनको सूखी खांसी या फिर कफ वाली खांसी आती हो, वो भी हरा मिर्च का सेवन जरूर करें। जिन वृद्ध लोगों का या फिर जिन जवान लोगों का नजर कमजोर हो गया है, जिनके आंख का पावर कम या ज्यादा हो गया है, वो भी हरा मिर्च का सेवन जरूर करें। दोस्तों, जितना भी मैंने बीमारी बताया सब में हरा मिर्च लाभकारी है और हरा मिर्च खाने से ये सब बीमारियां 10-20% तक सिर्फ हरा मिर्च के सेवन से ठीक हो जाती हैं। साथ में जो आप अन्य दवा कर रहे हैं उसको भी जरूर करें। मैंने आप लोग को हरी मिर्च से इतने ढेर सारे फायदे बताए हैं, तो साथ में ये भी मैं जानकारी देता हूँ कि किन रोगों में हरा मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए या हरा मिर्च का परहेज कब करना चाहिए। तो दोस्तों, जिनको शरीर में कहीं से भी खून बहता हो, जिनको रक्त पित्त रोग हो, वो हरा मिर्च का सेवन ना करें।
किसी किसी को नकसीर हो जाता है, नाक से खून बहने लगता है, वो भी हरा मिर्च का सेवन ना करें। किसी को मूत्र के साथ में खून आने लगता है, वो भी हरा मिर्च का सेवन ना करें। जिनके पेट में अल्सर हुआ हो, जिनको कोलाइटिस हो, वो भी हरा मिर्च का सेवन ना करें। जिनके मुंह में बार बार छाले पड़ते हों, जिनके आंतों में बार बार छाले पड़ते हों, जिसको कोलाइटिस कहते हैं, वो भी हरा मिर्च का सेवन ना करें। जिनको पाइल्स हो, बवासीर रोग हो, वो भी हरा मिर्च का सेवन ना करें। जिन माताओं एवं बहनों को मेस्ट्रुअल के समय, मासिक के समय में जिनको अधिक रक्त बहता हो, एक्सेस ब्लीडिंग होती हो, वो भी उस समय हरा मिर्च का सेवन ना करें। हरा मिर्च का तासीर गर्म होता है, थोड़ा गर्म होता है। लाल मिर्च जो होता है उसका तासीर ज़्यादा गर्म होता है। काली मिर्च और हरी मिर्च हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। साथ में अब मैं बताता हूँ, जैसे कुछ लोग हैं हरा मिर्च के जब इतने ढेर सारे फायदे हैं तो वो चाहेंगे कि मैं खाऊं, पर वो उनको तीखा खाना पसंद नहीं, वो तीखा खा ही नहीं पाते हैं, तो वो हरा मिर्च का सेवन कैसे करेंगे। जब हम सलाद के साथ में हरा मिर्च लेते हैं तो हमको वह सलाद अधिक तीखा नहीं लगता है, उसके साथ में ले सकते हैं। सलाद में आप थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, थोड़ा प्याज डाल दीजिए, खीरा डाल दीजिए, थोड़ा गाजर या मूली जो भी हो, इन सब चीज़ों को आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल दीजिए और एक हरा मिर्च बारीक काट दीजिए। तो दोस्तों, इस सलाद के साथ में आप निश्चित तौर पे जब भोजन करेंगे तो आपको तीखा नहीं लगेगा। साथ में मैं आपको एक चटनी बताने की विधि बता देता हूँ। जब उस प्रकार से आप चटनी बनाएंगे या कोई भी चटनी बनाते हैं तो उसमें आप एक हरा मिर्च डाल दीजिए, या फिर जिनको तीखा बिल्कुल भी नहीं पसंद है वो हरा मिर्च का जो बीज होता है उसको निकाल के सिर्फ उसका जो हरा भाग होता है वो सेवन करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा उसके हरे वाले भाग से हमको मिलता है, बीजों से कोई विशेष लाभ नहीं है। तो चटनी बनाना हो जिसको हरा मिर्च का, वो थोड़ा सा पुदीने का पत्ता ले लें, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा मूंगफली भूंज लें। मूंगफली को भूंज करके सभी को एक साथ में ग्राइंड कर लें, थोड़ा सा सेंधा या काला नमक मिला लें और थोड़ा सा उसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, आधा या एक नींबू। बस इस प्रकार से आप चटनी बनाएंगे तो जो तीखा नहीं खा पाते हैं उनको यह चटनी इतना अच्छा लगेगा और बिल्कुल भी यह तीखा नहीं लगेगा। इस प्रकार से आप हरा मिर्च का सेवन करेंगे और जितना मैंने फायदा बताया ये सब लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप जरूर कमेंट करें, आपको यह वीडियो कैसे लगा यह भी जरूर कमेंट करें। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।